तो चलिए दोस्तों, अयोध्या ऋषि मालिका मंदिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये नेपाल में स्थित है और गौतम कोट में। गाइज यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई काफ़ी खूबसूरत ये मालिका ऋषि तप स्थान है। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे काफ़ी पहले, मतलब काफ़ी वर्ष पहले तो ऋषि मालिका कोई थे और उन्होंने यहाँ पे अपना तप स्थान बनाया हुआ था। चलिए दोस्तों, अभी आ गया हूँ मैं थोड़ा टहलने के लिए और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हे यूट्यूब, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। एंड आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइज गौतम कोट गाँव के जैसे भी ये घर बने हुए हैं, तो उन घर के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे घर बने हुए और बिना सीमेंटेड घर बने हुए, काफ़ी ऊँचे ऊँचे, काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो ये सब मैं आज आपको इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो गाइज ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत गांव, जो कि गौतम कोट के ये पहाड़ियां एंड पहाड़ियों के नीचे ये खूबसूरत स्लेटों का मकान, काफ़ी प्यारा लगता है ये। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई पत्थरों के, मतलब चिनाई लगा के बिना सीमेंट के बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बनी हुई है, और पूरा मतलब यहाँ से पूरा गाँव मतलब मस्त लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक प्यारा सा स्कूल भी है गांव के बीच में, तो वो स्कूल मैं नज़दीक से तो दिखा नहीं पाऊँगा आपको, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे एक स्कूल भी है। तो ये वो स्कूल है गाइज, बहुत ही प्यारा स्कूल, और जहाँ की सारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो प्यारा सा गाँव है और यहाँ पर एक स्कूल, ये मेन स्कूल है। एंड गाइज रास्ता देख सकते हैं आप, बिल्कुल अभी थोड़ा सा कच्चा है और बिल्कुल हो रही है, अभी काम हो रहा है यहाँ पर। पोल वगैरह, बिजली के खंभे वगैरह तो लगे हुए हैं, बट टेढ़े हो गए हुए अभी जेसीबी द्वारा, तो अभी काम चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते चलते, काफी मजा आ रहा है और शाम का वॉक भी हो गया और काफ़ी अच्छे नज़ारे भी दिख रहे हैं यहाँ से। तो चलो भाई, अभी कोई दो यार दोस्त है नहीं, अकेला घूमना पड़ रहा है और बातें हो रही है आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे अभी बिल्कुल मैं अनजान हूँ। कोई भी लोग बात करता है तो बोलता है भाई घर कहाँ हो, मैं बोलता हूँ खई आफुलाय था छेना, मतलब मुझे अभी अपना घर पता नहीं है, तो मतलब बस ऐसे ही चले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारा जो घर है वो भी इन्हीं इलाकों में कहीं पड़ता है, मतलब रुकुम ज़िला है ना, तो रुकुम ज़िला एक दिन का रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। तो अभी मैंने देखा तो है नहीं, पर मैं जाऊँगा घूमने के लिए वहाँ पे, और वहाँ का ब्लॉग भी डालूँगा, घूम के आएंगे, पता करेंगे भाई कैसा गांव है वो रांगसी, जहाँ पे कि भाई जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो चलिए, जिस दिन हम घर जाएँगे तो फिर पता लग जाएगा, कि तब तक के लिए आपको ये प्यारी खेतियाँ दिखाता हूँ गाइज, एंड ये लवली घर दिखाता हूँ जहाँ पे कि भाई बगैर सीमेंट के चिनाई हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं गांव में प्यारे बच्चे शाम के टाइम घूम रहे हैं, एंड गांव देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लवली। एंड तो चलिए दोस्तों, गांव के ये प्यारे प्यारे मकान देख के मैं तो काफ़ी इन्जॉय ले रहा हूँ, जो मैं मतलब अपने आँखों से देख रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कर दें कि भाई कैसा लगा आपको ये गाँव, काफ़ी लवली है, एंड क्या सोचते हैं आप इस गांव के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारी एंट्री गांव के अंदर हो गई है, और गांव के अंदर आकर हमको ये पता लगा कि भाई यहां पे गाय, भैंस, बतख, टर्की एंड बहुत सारे मतलब जानवर घर में पाला गया है वो है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी यहां के लोग ना गाइज काफ़ी मेहनती है एंड काफ़ी ईमानदार भी है। तो देख सकते हैं आप, अभी गौतम कोट गाँव में मैं अभी अंदर प्रवेश कर लिया हुआ है मैंने गौतम कोट गाँव के अंदर, एंड मुझे यहाँ पे आके ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, भैंस पानी में डूबी हुई है, क्योंकि भैंस को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो गाइज वो पानी में ऐसे ही रहती है।
तो गाइज अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में आ गया हूँ, और ऊंचाई से मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई जो नदी आप देख रहे हैं, इस नदी के जो पार को ये आएगा आपका जाजरकोट, एंड इस नदी के वार को जिस साइड में खड़ा हूँ इस साइड को ये आएगा रुकुम जिला। तो ये खूबसूरत खेती एंड नीला आसमान गाइज, और नीले आसमान में देख सकते हैं आप काठमांडू टू डोल्फा जाने की फ्लाइट जा रही है, तो काफ़ी प्यारा। सो आज के लिए इतना ही, तो गाइज कमेंट करके बता दे कि भाई आपको गौतम कोट का गांव कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते नेपाल। Thank you.